सब्सक्राइब कीजिए बुड बग जैट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बुड बग जैट के यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा लैपटॉप। लैपटॉप अगर आपको अच्छे से बल्ब का लैपटॉप लगाना है जो एप्पल कंपनी का होता है, तो उसको किस तरीके से लगाना चाहिए, जो हमारे साइज होते हैं साइज के हिसाब से हमारा जो लगाया जाता है किसने हिसाब से लगाना चाहिए। जैसे हम बॉक्स के अंदर लगाते हैं किचन में, तो इसमें हमारे अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे हमारे 25 नंबर होता है और अपना जैसे 20 नंबर 28 नंबर इस तरीके से आते हैं। इसमें तो कोड होते हैं, तो उसमें जैसे हमारे जिस हिसाब से डोर्स का साइज़ होता है साइज़ के हिसाब से इसमें कोड नंबर आते हैं। तो इसमें आपको किस तरीके से लगाना चाहिए, किस साइज़ पर लगाना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिसमें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो में चलते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे ही लैपटॉप लगाना होता है तो किस कैसे लगाना चाहिए। जैसे हमारी मशीन होती है कितनी हाइट होनी चाहिए, जिसमें कि हमारा ये डोर्स सामने से सीधा रहना चाहिए। आपने देखा होगा तो वो टेढ़ा होता है, जैसे ये हमारी अंदर की साइड हो जाती है ये बाहर हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं इसमें जैसे हमारा जैसे इसमें जो लगाने का तरीका होना चाहिए वो सही होना चाहिए, जिसमें कि हमारी ये आवाज़ भी निकले और इसमें आसानी से बंद हो जाना चाहिए। और ऊपर अपना जैसे ये जैसे हमारे ज़्यादा हाइड्रोलिक होता है तो उसको किस तरीके से होना चाहिए, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको वीडियो में। देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे हैपले कंपनी का लैपटॉप लगाना है तो इसके अंदर हमारे बॉक्स के अंदर सारी फिटिंग आती है। आप देख सकते हैं इसमें हमारी ड्राइंग भी आती है, ड्राइंग और अपना इसमें कोड कितने कोड का लगाना चाहिए, किस हिसाब से डोर्स में हमारा लगता है। ये देख सकते हैं इसमें जैसे हमारी ड्राइंग आती है, ड्राइंग में सिर्फ कॉलम मिलेंगे आपको, इसमें आपका साइज़ नहीं आता। जो हमारा साइज़ होता है किस हिसाब से लगाना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग कंपनी अपना अपना ड्राइंग अलग अलग तरीके से देती हैं, तो उसमें साइज़ के हिसाब से आते हैं और कुछ में इसमें नहीं है। आपको जो लगाना इसी वीडियो को इसमें देख के आप लगा सकते हैं आसानी से, अगर आपको नहीं आता लगाना। ये देख सकते हैं इसमें हमारे ऑटो हिंजिस के लॉक और इसमें जो हमारे ऑटो हिंजिस आते हैं बॉक्स के अंदर सभी मिलेंगे आपको। इसमें अगर आपको जैसे एक्स्ट्रा भी लेना है तो सिर्फ आपको स्क्रू नहीं आते तो स्क्रू ले सकते हैं। और इसमें जो हमारी रोड होती है ये देख सकते हैं, और इसमें हमारे ऑटो हिंजेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, बीच में आपका दूसरा लगेगा और हमारा जो डोर्स और बॉक्स में जो अटैच होता है वो आपका जीरो क्रैंक का लगेगा। ये देख सकते हैं बॉक्स आपको जैसे आपको बनाना है, तो जैसे आपका डोर्स की अगर साइज़ है 600 mm चौड़ाई और हाइट है इसकी 760 mm, हाइट होगी 30 इंची और चौड़ाई होगी इसकी 24 इंची। बॉक्स की गहराई जो रखनी है आपको 310 mm 12 इंची। जो आपको लैपटॉप लगाना है तो कम से कम गहराई आपकी 310 mm होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये हमारे डोर्स हैं, डोर्स में आपको दो प्रकार के कब्जे लगाने हैं और आपके जो कब्जे आते हैं वो फिटिंग के साथ आते हैं। अलग से एक्स्ट्रा अगर आपको लेना भी होता तो सिर्फ आप इसमें जीरो क्रैंक का ही ले सकते हैं। बाकी हमारा जो बीच में से जो डोर्स फोल्ड होता है, फोल्ड में आपको कब्ज़ा वही लगाना पड़ेगा जो हमारा ये होता है। ये देख सकते हैं 3 इंची, 3.5 इंची, 4 इंची आप इसको हटा कर लगा सकते हैं कब्ज़ा साइड से। इसी साइज़ के हिसाब से लगाने आपको, इसमें आपको ज़्यादा साइज़ नहीं छोड़ना, कम नहीं छोड़ना। अगर बड़ा डोर्स है, बड़े डोर्स में आप 4 इंची 4.5 इंची इस तरीके से साइज़ छोड़ सकते हैं। हमारे जो स्क्रू होते हैं स्क्रू में आपको प्रॉपर टाइट करने, जैसे कि आपका जैसे बॉक्स में और डोर्स में जो कब्ज़ा लगता है वो आपको नॉर्मल लगाना, जैसे आपका लैपटॉप के साथ आता है वो नॉर्मल ही आता है और नॉर्मल ही लगाना आपको। इसमें सॉफ्ट क्लोज काम नहीं करता, सॉफ्ट क्लोज आपको लगाना भी नहीं है क्योंकि वो ख़राब हो जाता है और इसमें दिक्कत भी रहती है। तो ये देख सकते हैं जो हमारा मशीन है, मशीन हमारी सॉफ्ट क्लोज होती है और उसको अपने हिसाब से चलाती है डोर्स को, तो उसी तरीके से आपको लगाने। ये देख सकते हैं ये हमारा फोल्ड जो हो जाता है डोर्स, उसके हिसाब से ये कब्ज़ा अलग आता है। और इसमें हमारे लॉक भी होते हैं जिसमें कि अपना ये लॉक में फंस जाता है, ये लॉक और हमारे जो इसमें सोकर की कमानी होती है तो उसको आर्म भी बोलते हैं और कमानी अगर आपको जो आर्म भी बोलते हैं इसको, इसके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग भाषा में अलग तरीके से बोलते हैं। तो आर्म इसकी जो होती है वो कितने प्रकार की आती है, जैसे कि हमारे डोर्स की हाइट होती है, हाइट हमारी जैसे इसमें हाइट है डोर्स की 760 mm, तो इसके हिसाब से आरम जो आती है हमारी 380 नंबर 380, जिसमें कि आपकी डोर्स की लंबाई बढ़ गई है तो 380 लगेगी। अगर आपके डोर्स की हाइट कम है, जिसमें कि आप 27 इंची का बॉक्स बना लेते हो उसमें डोर्स लगाते हो, उसमें भी लिफ्टअप लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें लगेगी 350 नंबर आरम। तो इसमें साइज़ अलग अलग आते हैं, जैसे आपने देखा होगा किचन में जब हम लगाते हैं जैसे डोर्स, आपने देखा होगा उसमें टेढ़ापन आ जाता है। जैसे हम लैपटॉप लगाते हैं कुछ जगह आपने देखा होगा लगाने में दिक्कत आ जाती है, जैसे कि हम साइज़ इसका हमारे को जैसे मालूम नहीं होता साइज़ किस हिसाब से लगानी चाहिए। मशीन और आर्म, इन दो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है लैपटॉप लगाते टाइम पर। अगर इसमें आपका फ़र्क रहेगा तो आपका डोर्स टेढ़ा भी रहेगा और इसमें जैसे आप चलाते हो
तो उसमें टेढ़ापन ज़्यादा आ जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, टेढ़ापन नहीं आएगा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और इसमें इस तरीके से लगाते हैं जैसे हम लगा रहे हैं, तो उसमें आपका कभी भी टेढ़ापन नहीं आ सकता और आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमें अपना जो साइज़ है, साइज़ भी आपको याद रखना। और इसमें आपके जैसे डोर्स होते हैं 27 इंची हाइट वाले डोर्स में और 24 इंची चौड़ाई वाले में, आपके जो इसमें लिफ्टअप की मशीन का जो नंबर है 20 नंबर। और ये जैसे हमारा इसका ये देख सकते हैं, ऊपर से आपको जो साइज़ छोड़ना है, हमारा साइज़ छोड़ा जाता है ऊपर से 153 mm। तो 153 mm छोड़ा जाता है, आप देख सकते हैं। इसमें जो हमारी एंट्री ड्रैंग होती है, ड्रैंग ऐसे ही बनानी होगी आपको, और हमारा 37 mm अंदर करके लगाया जाएगा। ये हमारी जो एंट्री ड्रैंग होती है, ड्रैंग ऐसी ही बनती है, इसका मार्का लगाना पड़ता है पेंसिल से अपना निशान लेकर, स्क्रू के निशान के हिसाब से जहाँ पे स्क्रू आएगा आपका, अपना फर्स्ट वाला छोड़कर दूसरा वाला जो स्क्रू आएगा उसका साइज नापना आगे की साइड से, और ऊपर वाले जो स्क्रू आते हैं ऊपर से आपको जो साइज नापना ऊपर अंदर अंदर, तो ऊपर वाले स्क्रू से नापना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जिसमें कि हमारा वो साइज़ है साइज़ के हिसाब से 153 mm और अपना 37 mm अंदर, 6 इंची आपको ऊपर से अंदर रहेगा अंदर अंदर बॉक्स के। फिर उसके बाद अपने टाइट करने पेज, पेज के हिसाब से ही आपको ड्राइंग बनानी है जो ड्राइंग हमारी बनती है। तो आप देख सकते हैं इसमें अपना जैसे आपको मशीन लगाने सीधी, आप देख सकते हैं ऊपर हमारी लिफ्टअप वाली जो रोड आती है तो उसको ऊपर की साइड लगाना है, ऊपर की साइड करके ही लगाना है। जो हमारी आर्म होती है, आर्म जिसको बोलते हैं, तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। आर्म अगर आप जैसे इसको लेते हो किसी हार्डवेयर शॉप से, तो इनका कोड नंबर याद रखना चाहिए आपको। और हमारे जैसे हाइट होती है कम, तो हाइट कम में आपका दूसरा आर्म लगेगा, और बड़ी हाइट में जैसे आपका 30 इंची से ज़्यादा बॉक्स होता नहीं है किचन का, और इसमें हमारी यही 380 आर्म लगती है। तो उसके बाद आप इसी तरीके से फिट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। और उसमें जैसे आपको नीचे कितना साइज हटाना चाहिए, किस हिसाब से लगाना चाहिए, जैसे हमारी आर्म होती है आर्म का साइज आपको किस हिसाब से नापना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। ये हमारा जैसे लेफ्ट और लेफ्ट की साइड कस रहा, पहले हमने राइट का कसा था, तो वैसे ही दोनों तरफ का आपका सेम साइज़ होना चाहिए हमारे जो हाइट में भी और अंदर भी बॉक्स में, इसी प्रकार लगाना आपको। और इसी प्रकार अगर आप लगाते हो तो मशीन आपकी जो लग जाती है सही तरीके से, तो आपका लैपटॉप आवाज़ नहीं करेगा और इसमें आपका जो काम करेगा लैपटॉप वो प्रॉपर तरीके से जो हमारा होता है वैसे ही करेगा। अगर आपको नहीं लगाना आता तो इसका कस्टमर केयर नंबर पर आप बलम के, आप अपना जो इस पर बॉक्स आता है बॉक्स पर कस्टमर केयर नंबर आता है, वहाँ से आप इसको कॉन्टैक्ट करके उनको बुला सकते हैं, इंजीनियर को, उनसे भी लगवा सकते हैं, तो वो भी आपको बता सकते हैं। और अपने आपके जो अगर आपके पास बिल है तो गारंटी मिलेगी, अगर बिल नहीं है तो गारंटी नहीं मिलेगी इस लैपटॉप की। ये देख सकते हैं 380 हमारा जो कोड नंबर है इसका, 380 आर्म का जो कोड नंबर 380। ये हमारा जो डोर्स है इसकी हाइट ज़्यादा है तो 380 लगेगा इसमें। और आपको ये देख सकते हैं इसमें कोड, जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये हमारा 380 जो इसमें हमारा कोड है आर्म का, वो इसका लंबाई ज़्यादा होगी डोर की हमारी, तो इसमें आपका 380 लगेगा। और हमारे जैसे इसमें अगर आपको जैसे लगाना है ये पत्ती, पत्ती आपको नीचे से 120 mm जो हमारे डोर्स की हाइट है, सेम अगर डोर्स की आपकी हाइट है 120 mm, ये देख सकते हैं 120 mm आपको हटा कर लाना साइड से, आपको जहाँ पे आपकी रोड सीधी आती है उसी प्रकार आपको साइड से हटाना होता है। ये देख सकते हैं मैं इसमें रोड लगा के दिखाता हूँ आपको, अगर आपको जैसे इसमें साइड में किस हिसाब से लगाना चाहिए और कितना हमारा इस पर साइड जगह छोड़ी जाती है उसी हिसाब से। जैसे कि हमारा 19 mm का डोर्स, अपना डोर्स होता है, बोर्ड भी हमारा जो बॉक्स बनता है 19 mm होता है। उसके बाद जो हमारा लैपटॉप की जो रोड आएगी आर्म सीधी आएगी, उसके बाद अपना सीधा देख सकते हैं कितना गैप आपको छोड़ना चाहिए, सीधी रहनी चाहिए। अगर ये इनमें भी टेढ़ापन होगा आपका तो लैपटॉप सही तरीके से काम नहीं करेगा, कट कट की आवाज़ आती रहेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। ये देख सकते हैं इसमें हमारे लॉक होते हैं, इस तरीके से अपना लॉक में लग जाता है और आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो ये इसमें जो आपको ऊपर की साइड रखनी है रोड है अपनी, और हमारी ऊपर की साइड ही लगाई जाती है, इसी तरीके से ये सीधा होता है। अगर आप इसको उल्टा लगा दे तो दिक्कत रहती है, फिर नहीं लगेगा आपका। ये देख सकते हैं आपको सिर्फ वीडियो में देखकर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन, ये देख सकते हैं रोड का हमारा जो गैप होता है, गैप के हिसाब से आप इस तरह साइड से नाप सकते हैं और नीचे से आप अपनी हाइट नाप सकते हैं जैसे हमारे बॉक्स की होती है, तो उसके हिसाब से आपको लगाना। आप इसका 20 सेंटर करके भी लगा सकते हैं, नीचे वाला जो डोर्स होता है उसके कब्जे के अंदर से 20 सेंटर किया जाता है, जहाँ पे हमारी इसकी जो पत्ती आती है वहीं पे आपको 20 सेंटर करके लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिसमें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें, इसके बाद हमारा डोर्स लगेगा। हमने मशीन फिट कर ली अपनी और आर्म भी फिट कर ली, अब इसको डोर्स को लगा सकते हैं। तो इसमें अपना डोर्स फिट करने के बाद हमारा फिर इसमें जैसे आपको लगा, इसमें अपना चला कर देखना है एक बार फर्स्ट टाइम। अगर आप लगा रहे हैं तो इसी तरीके से आपको लगाना फर्स्ट टाइम जो हमारा लगाया जाता है, तो उसमें एक बार आप एक एक स्क्रू लगा के इसको चला कर देख सकते हैं। स्क्रू आपको प्रॉपर टाइट करनी है, अगर लूज़ रहेगा तो आपकी जो चाल होती है, चाल आपकी जो इसका कितनी चाल रखनी चाहिए वो सेट नहीं कर पाओगे आप, फिर दिक्कत रहेगी। और अपना साइड में अपना बॉक्स के जो हमारा हिसाब होता है बॉक्स का जो डोर्स बनाया जाता है, तो पूरा प्रॉपर साइज़ के हिसाब से होना चाहिए। और उसके बाद अपना जैसे बॉक्स के अंदर फिट करने के बाद हमारा जैसे कब्जे लगाए जाते हैं, कब्जे आपको वैसे ही लगाने जैसे हम डोर्स में जैसा लगाते हैं, जिस हिसाब से हमारे डोर्स लगते हैं वैसे ही सेम लगाना आपको। इसमें अलग साइज़ नहीं होता कब्जे लगाने का, और साइज़ यही होता सभी का अपना। उसके बाद अपना टाइट प्रॉपर कर देना, जैसे आपका स्क्रू इसमें दो हैं तो दो के हिसाब से, कब्जे में आपके अगर चार हैं तो चार के हिसाब से प्रॉपर टाइट करने हैं। इसमें अपना लूज नहीं छोड़ना स्क्रू, और इसमें अगर आप ठोकते हो तो ठोकने में दिक्कत रहती है, फिर उसको खोल नहीं सकते, तो आपको प्रॉपर टाइट करने हैं स्क्रू, इसी तरीके से आपको लगाने। तो इसमें जैसे हमारा मैंने पहले वीडियो दिखाया था, उसमें आपका जो हमारा लिपटॉप था वो बड़ा डोर्स था, उसमें वजन ज़्यादा था। अगर आपका जैसे HDMI में होता तो वजन ज़्यादा हो जाता, तो उसके हिसाब से आपका दूसरा इसमें लिपटॉप लगेगा। और अपना जैसे स्पीड ज़्यादा आपको नहीं चाहिए तो आप इसको नॉर्मल भी लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं हमने इसमें अपनी आर्म भी लगा दी है, और आर्म फिट करने के बाद इसमें लॉक होते हैं, आर्म में आपको किस हिसाब से रोकना चाहिए ये देख सकते हैं। इसमें जो हमारे लॉक की जो पत्ती है लटक रही है, तो इसी हिसाब से आपको लॉक खोल के ही अपनी आर्म चलानी है। जो हमारे इसके लॉक किया जाता है कितने से हिसाब से रोकना चाहिए, किस हिसाब से रखना चाहिए आपको, तो उसमें पहले ही आपको लूज़ करके रखने होते हैं लॉक आर्म के। जो हमारे ये लॉक होते हैं पत्ती सी जो लटक रही है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये हमारा, जब मैं इसको अपने चाल के हिसाब से रोकूंगा इसको किस हिसाब से आपको करना चाहिए। तो ये लूज़ होना चाहिए, अगर ये लूज़ नहीं है तो आपका डोर्स इस तरीके से दिक्कत करेगा, बंद नहीं होगा। तो आपको इसको ऊपर उठा के एक बार जो हमारा बाहर की साइड उठा के इस तरीके से आप इसको आराम से दबा सकते हैं अंदर को, और अपना सीधा कर सकते हैं जहाँ पर आपको रखना। ये देख सकते हैं इसी प्रकार रखना आपको, ये सीधा डोर्स हमारा हो गया। अब इस हिसाब से लगा सकते हैं ऊपर अपना, इस हिसाब से उठा के अपना जैसे इसमें कब्जे में जो होती है एडजस्टेबल होती है वो इसको सेट कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको डोर्स रोकना है, जितनी आपको स्पीड की ज़रूरत है किस हिसाब से आपको डोर्स रोकना है वो इसके हिसाब से चाल होती है इसमें। ये देख सकते हैं बाहर की साइड से हमारा सीधा आ गया। अब इसकी स्पीड ज़्यादा है, अब इसकी स्पीड आपको कम किस तरीके से करनी है ये देख रहे हैं आप। ऊपर को एकदम जा रहा है जैसे कि हमारा डोर्स ऊपर, जैसे इसके ऊपर हमें लटकना पड़ेगा तभी बंद होगा ऐसा लग रहा, तो ये आराम से बंद होना चाहिए और आराम से ही खुलना चाहिए। इसमें आपकी स्पीड कम ज़्यादा की जाती है, इसमें इसमें हमारे जो स्पीड होती है उसका स्क्रू होता है इसमें, तो आप देख सकते हैं इसमें इसके हमारे जो स्क्रू हैं जैसे हमारे कब्जे के, वो आपको प्रॉपर टाइट करने हैं। अगर आपको जैसे साइड में करना है, जैसे आपको बराबर साइड से रखना तो इस हिसाब से अपने पेज प्रॉपर टाइट करने। ये देख सकते हैं हमारा इसमें डोर्स आराम से बंद होया है। अब इसकी जो स्पीड ऊपर को जो हमारा ऊपर को हाइड्रोलिक करता है ये डोर्स, तो उसको किस हिसाब से रखना चाहिए, कितनी चाल रखनी चाहिए वो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। और अपने चाल उसी हिसाब से करनी है आपको, इसमें आपको ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी होती है। ये पेचकस से आप कर सकते हैं, पेचकस से कर सकते हैं अपना, या अगर आपके पास टाइटल मशीन है उससे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पीछे की साइड, ये देख सकते हैं कब्जे को पहले आपने सेट कर लें, और उसमें अपनी मशीन की जो हमारी मशीन के ऊपर एक स्क्रू होता है, स्क्रू हमारा स्प्रिंग वाला होता है जिसमें कि स्प्रिंग लगा होता है, तो उसको कम ज़्यादा चाल करने के लिए होता है। और अपना ग्रुप इस हिसाब से सेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आगे का भी हमारा जैसे बीच का ग्रुप है, आपको बीच में भी अपना कब्जे के जैसे हमारे कब्जे लगते हैं एल बिहारी ऑटो होंजिस, उसके हिसाब से इसमें किया जाता है। और आप इस हिसाब से इसको आगे पीछे जैसे आपका लेवल है, लेवल बराबर होना चाहिए। पहले आपको जो सेटिंग करनी है कब्जों की सेटिंग करनी है, उसके बाद ही आप अपनी स्पीड इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं जो हमारे डोर्स की होती है। ये देख सकते हैं ग्रुप आपका बराबर होना चाहिए, बीच में कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको करना है। फिर उसके बाद आप इसकी चाल कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत चाल इसकी उसी हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसके लॉक आपको अभी नहीं लगाने, जब आपका ये सब फिटिंग हो जाती है ऊपर कोई स्पीड पर बंद हो रहा है, ये देख सकते हैं इसमें जो आपको कम ज़्यादा चाल करनी है, इसमें लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट ये फ़र्क होता है। इसमें ऊपर होता प्लस और नीचे होता माइनस,
अगर आपको नीचे इसमें हमारा जो स्क्रू का इसमें आपके इसमें नंबर होते हैं कितने नंबर पर करना है आपको उसी हिसाब से ये देख सकते हैं यहाँ पर नंबर होते हैं तो नंबर के हिसाब से इसमें अपनी सेटिंग करनी होती है दोनों तरफ की बराबरी करनी है आपको इसमें कम ज़्यादा नहीं करनी। ये देख सकते हैं आगे की साइड हमने करा तो वो कम चाल हो रही है इसमें और इसी हिसाब से आपको ये लॉक लगानी है। ये देख सकते हैं लॉक आप ये हमने बंद कर दिए ये इसी प्रकार आपको लॉक बंद करने हैं और ये हमारे जो सेट हो जाता है डोर्स तभी करने हैं आपको। अगर आप इसको पहले ही कर लेते हो आप अगर आपका सेट नहीं है तो डोर्स तो दिक्कत रहेगा और इसी प्रकार ये देख सकते हैं ये दिक्कत आएगी आप इसको एक बार खोल के दोबारा फिर इसको सेट कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आपका डोर्स आराम से बंद होना चाहिए रुकना नहीं चाहिए कहीं पर ये देख सकते हैं। अब ये हमारा ऊपर को इस तरीके से उठा के आप इसको यहीं पर ही लॉक लगा सकते हैं अपने और ये देख सकते हैं पीछे हमारे जो लॉक हैं ये इस तरीके से बंद हो जाते हैं। हैप्ले कंपनी का जो लॉक सिस्टम है इसमें और अपना जो मशीन का सिस्टम है अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है और इसमें आपको बार ये देख सकते हैं आराम से बंद हो जाए इसी तरीके से होना चाहिए गैप नहीं आना चाहिए साइड में अगर गैप आएगा तो सही मशीन सेट नहीं होगा आपका उसमें दिक्कत है। ये देख सकते हैं ये हमारा डोर्स आगे से सीधा है इसी तरीके से आपको लगाना है इसी हिसाब से आपको मशीन फिट करनी है। तो ये था हमारा तरीका इसमें लगाने का। तो आपको जो इसमें अपना चाल है चाल उसके अपने इस हिसाब से रखनी है आपको ऊपर का साइड आपका तेज़ बंद हो या आराम से उस हिसाब से आपको रखनी है। तो उसके बाद अपने इसमें जो हमारे कैप होते हैं ऊपर से कैप लगाए जाते हैं जिसमें कि स्क्रू नहीं दिखे इसी प्रकार आप लगा सकते हैं। तो इसमें आगे की साइड भी हमारा कैप होता है और इसमें अपना मशीन को ढकने के लिए भी जिसमें कि आपके मशीन अंदर का जो इसमें स्क्रू होते हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए और अपना देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारी फिटिंग हो गई और इसमें आपका तरीका आप देख सकते हैं। मैं दूसरा भी दिखा देता हूँ आपको जैसे हमने पहला वाला लगाया था लैपटॉप इसमें ये हमारा डोर्स के साइज़ बड़ा था इसमें जो साइज़ है इसका वज़न भी ज़्यादा है हमारा डोर्स में तो सेम साइज़ है थोड़ा सा फ़र्क है 10-15 mm का ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इसमें जैसे ये हमारा इधर का है और उसी हिसाब से आपको इसमें लगाना जैसे आपका ऊपर ही आराम से बंद हो रहा है इधर वाला ये देख सकते हैं इसी तरीके से आपका ऊपर जैसे हाइड्रोलिक हो रहा है आराम से होना चाहिए और इसी प्रकार होना चाहिए अगर आपकी कोब है ऊपर तो आराम से होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक दे सकते हैं। तो अच्छे अच्छे हम वीडियो बनाते रहते हैं ऐसे अच्छा वीडियो फिर लेकर आते हैं आपके लिए इस ऐसे इसी से रिलेटेड तो अच्छे अच्छे हम वीडियो बनाते रहते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे आप अपना रखिए ख्याल। थैंक यू फ्रेंड।